प्रो कबड्डी के भीष्म पितामह अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ और भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष जनार्दन गहलोत के जन्मदिन पर सर्कल कबड्डी का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने भी मैच जीता। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ व भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत जी के जन्मदिन पर आज चरखी दादरी में सर्कल कबड्डी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंजाब व हरियाणा की महिला टीम आई है। आज जो मैच हुआ है उसमें हरियाणा की टीम ने 18 अंकों से पराजित किया है पंजाब को। अब हम खिलाड़ी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी जो जीत हुई है उनको कैसे क्या हुआ। जी बताइए, क्या नाम है? रिंकू सोता। रिंकू जी बताइए, आपने मैच को भारी अंकों से जीता है, क्या महसूस कर रहे हो? महसूस तो अच्छा करेंगे क्योंकि जीत हुई है ना हमारे, इस करके तो हमें पूरा जोर लगाना चाहिए बस। पहले मेडल वगैरह लिया आपने? मेडल नेशनल में 2 बार गोल्ड मेडल है मेरा, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी 2 बार गोल्ड मेडल। कौन से गाँव से बिलोंग करते? बीच में कुछ हमारी मान सम्मान की। खिलाड़ी का कहना है कि हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है जो 2 बार गोल्ड मेडल्स हैं रिंकू। अब हम पंजाब के खिलाड़ी से भी बात करेंगे, उन्होंने जो मैच गवाया है उसके बारे में भी। हाँ, जीत तो चलती रहती है, बताइए आप क्या नाम है? बतेरी जी। जो आपने मैच गवाया है क्या कहेंगे, कहाँ कुछ कमियाँ रही और आगे क्या कुछ? बस थोड़ी प्रैक्टिस की कमी सर, वो बढ़िया मेहनत करांगे और आगे कोशिश करांगे, बढ़िया प्रैक्टिस करा, बढ़िया प्रदर्शन करा अपना। तो खिलाड़ी का कहना है कि बहुत बार अभ्यास में कुछ कमियां रही जो जिसके कारण हमने ये मैच गवाया है, और हरियाणा के खिलाड़ियों की खुशी की लहर दौड़ गई जिन्होंने ये मैच जीता है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा।